جي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربي زدني علما. آمين يا رب العالمين. जी किधर गई वो क्या नाम बताया था ये नुसरत थी पिछली दफा हमारे साथ. जी गैलेक्सी A5 पे जी आप कर ले म्यूट अनम्यूट अपने आप को. जी रुकैया जी जी ये पढ़ सकती हैं आप क्या लिखा हुआ है आपको स्क्रीन नजर आ रही है. ये आबाता जी अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं और इनको हुरूफे हुरूफे हिजा कहते हैं अल्फाबेट्स. यस और इसमें बताया हुआ है कि कुछ हुरूफ हैं जो उर्दू अल्फाबेट्स में होते हैं लेकिन अरेबिक में नहीं होते. ठीक है चूंकि हम अरेबिक सीख रहे हैं और अरेबिक और उर्दू के जो हुरूफे तहजी होते हैं. वो सेम होते हैं लेकिन कुछ जो है उर्दू में कुछ नहीं होते अरेबिक में नहीं होते. ठीक है उसमें से मसलन आप इसको कैसे पढ़ेंगी ये पहले वाला पढ़िए ये जो है पहले वाला जिसपे मेरा कर्सर है इस वक्त. रुकैया अलीफ 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 के आगे पढ़िए. जी रुकैया बे हाँ ये बे ये आपने उर्दू में पढ़ा कि अरेबिक में पढ़ा. उर्दू में पढ़ा. ठीक है उर्दू में इसको बे कहते हैं लेकिन अरेबिक में क्या कहते हैं ब. उसकी क्या वजह है क्योंकि उसमें हमेशा हम लोग आ करके ही लगा के बोलते हैं और हाँ, जब क्यों आ लगाते हैं? होता है तो ई करके बोलते हैं. मैं आयशा बताइए आपने हाथ उठाया हुआ पता नहीं वो अनम्यूट नहीं कर पा रही अपने आप को. जी अच्छा तो उसकी असल में वजह ये है कि वो उसको हम उर्दू में तो बे कहते हैं लेकिन अरबी में हम उसको हाँ अरेबिक में ये देखें ये बड़ी ये के ऊपर कट लगा हुआ है यहाँ पे. ठीक है बड़ी ये की साउंड होती ही नहीं जब हम कहते हैं बे तो वो बड़ी ये की साउंड निकाल रहे होते हैं हम और अरेबिक में बड़ी ये होती ही नहीं. जो आपने कहा ना कि अगर जेर होगी तो फिर हम बे पढ़ेंगे हाँ फिर भी उसको बे नहीं पढ़ेंगे फिर उसको बी पढ़ेंगे कि ई की साउंड निकाल लेंगे. हाँ हाँ ये अक्सर हमारे पाकिस्तानियों में बहुत गलती है कि हम बे की साउंड निकालते हैं. इंशाल्लाह वो जब हम पढ़ना शुरू करेंगे कुरान फिर भी पता चलेगा लेकिन यहाँ पे पॉइंट ये है कि बड़ी ये होती ही नहीं. जो भी उर्दू में हम ए ए की साउंड निकाल के पढ़ते हैं ना बे ते ते तो सारे ए को हमने आ में कन्वर्ट कर देना है. ठीक है देखें यहाँ लिखा हुआ है जो बे है यानी अलिफ रेड कलर में जो उसको बा कर देना है ते को ता ते को सा. ठीक है तो ये डिफरेंस है और दूसरा ये है जी दूसरा ये है कि हम जो है वो अलिफ और हमजा ये दो होते हैं तो अरेबिक में ऐसा अलिफ जिसके ऊपर कोई जेर जबर पेश लगी हो उसी को हमजा कहते हैं. हमजा अलग से कोई लफ्ज नहीं है. ठीक है अगर वो खाली है तो वो अलिफ कहते हैं उसको अरबी में और अगर उसके ऊपर जेर जबर पेश लगा दें तो उसको हमजा का नाम देते हैं. ये डिफरेंस है जरा आप जहन में रखिएगा. अच्छा अब हम अगले पेज पे चलते हैं. And I'm struggling with the page. We go to the next page. अच्छा उसके बाद हमने देखा था कि एक लफ्ज को क्या कहते हैं एक जो यानी जब हम अरबी पढ़ना शुरू करेंगे तो उसमें हमें कुछ लफ्ज नजर आएंगे तो एक लफ्ज को क्या कहते हैं क़लिमा कहते हैं. ठीक है अच्छा वो खैर आ गया ये हरकात पहले हम देख लेते हैं. जी रुकैया ये जेर जबर पेश के अरबी नाम पता है आपको. फिर
जी तो मैं बताती हूँ, जबर को फतह कहते हैं। देखिए इस तरह फतह, हेलो सर जी आपकी आवाज रुक रही है, मैं खुद ही बता देती हूँ। फतह कहते हैं जबर को, और कसरा कहते हैं जेर को, और गम्मा कहते हैं पेश को। ठीक है, और जब ये फतह कफरा और गम्मा होंगे तो उनकी हमने साउंड छोटी रखनी है। ठीक है, अगर इनको लंबा अदा करना है तो फिर उनके साथ जबर के साथ अलिफ लगता है, क्योंकि आपको पता है जबर की साउंड की आती है। लेकिन अगर उसके साथ अलिफ भी लगा देंगे तो वो साउंड आ की बन जाएगी, जरा लंबी साउंड हो जाएगी। कसरा के साथ या लगा के पढ़ेंगे, ठीक है, उसको हमने ये नहीं कहना है, ये उर्दू में होता है या अरेबिक में होता है, हमने वो साउंड हो जाएगी लंबी ई की। और अगर पेश होगी तो उसके लिए वाओ को साथ लग के वो लंबी साउंड देता है। ठीक है, एग्जाम्पल ब के ऊपर अगर जबर है, फतह है तो ब पढ़ा जाएगा, लेकिन अगर अलिफ है तो बा, ब के नीचे कसरा है तो बी, बे नहीं जी कहना है इसको, बी कहना है, बी, ई की साउंड निकालनी है, ए की नहीं निकालनी। ठीक है, बी, लेकिन अगर उसके साथ छोटी या भी लग जाएगा तो साउंड लंबी हो जाएगी, बी। इस तरह ब के ऊपर पेश है यानी गम्मा है, बू, छोटी साउंड बू, लेकिन अगर वाव भी लग जाएगा तो बू, ये लंबी साउंड हो जाती है, लंबे वॉवल्स हो जाते हैं अलिफ या वाव लगने से। फतह कफरा गम्मा की साउंड्स लंबी हो जाती हैं फतह के साथ अलिफ लगने से, कसरा के साथ या लगने से, और गम्मा के साथ वाव लगने से। ये तो पढ़ने का था, और इनसे मीनिंग में कैसे चेंज आता है वो इंशाल्लाह जैसे जैसे हम अरबी को समझेंगे तो हमें पता चलेगा। क्यों इतना इम्पोर्टेंट है इनको सही पढ़ना, क्यों अहम है, क्योंकि इनसे मानी में फर्क मीनिंग आ जाएगा, चेंज। बिल्कुल इंशाल्लाह। तो इसलिए इसको सही से पढ़ना जरूरी है। अब एक जो भी ये मेरा माइक ऑफ है या ऑन है? मैं क्योंकि इसको फर्स्ट टाइम यूज कर रही हूँ, इसलिए मुझे पता नहीं है मैं अच्छा, जिस सो पे अपना यू आर कर रही हूँ उम्मे अभी कुछ। आयशा, जी बिफोर इट वॉज ऑफ, नाउ यू हैव टर्न इट ऑन, और आपने हाथ ओके, भी इसको उठाया हुआ कैसे है। ऑफ करना है ये? मैं कर सकती हूँ मैं वो वैसे। आपको रिप्लाई करना था। ओके जी ओके चले, आप कोई, कर दीजिए। हाँ मैं कर सकती हूँ। वहां स्क्रीन पे आप मोबाइल से बात कर रही हैं? जी मैं मोबाइल से कर रही हूँ। ठीक है, तो मोबाइल में ना बिल्कुल एंड पे स्क्रीन के आप जस्ट टच करेंगे तो वो अपियर होंगे साइन, उसमें ठीक माइक का है, साइन भी होगा, उसको आप क्लिक कर देंगे तो वो उस पर क्रॉस का निशान आ जाएगा तो बंद हो जाएगा, रेड कलर में आ जाएगा फिर। हाँ ठीक इस है, तरह से। ठीक है शुक्रिया। जी, ओके। तो जी हम बात कर रहे थे कि एक लफ्ज जब हम देखेंगे, एक जुमला जाहिर है हम पढ़ेंगे, उस जुमले में मुख्तलिफ अल्फाज होंगे, एक लफ्ज को कलीमा कहते हैं, और वो जो भी मामानी लफ्ज होता है उसको कलीमा कहते हैं। और उसकी तीन अकसाम है, पहली थी इस्म, इस्म यानी नाम को कहते हैं, किसी भी शख्स चीज या जगह के नाम को इस्म कहते हैं। और मसलन देखें, अल्लाह इंसान, किताब, मस्जिद, सच्चा, झूठा वगैरह, ना सिर्फ नाम को बल्कि जो है ना किसी की खूबी और खामी को भी, देखें जरा खूबी या खामी को भी इस्म कहते हैं। मसलन सच्चा, अब क्या ये नाम है किसी का, का नाम होता है? नहीं ना, एक खूबी का नाम है ना कि वो सच्चा है, सच्चा खूबी का नाम है। झूठा एक खूबी, खूबी अब खामी का नाम है ये। ठीक है, इसी तरह लंबा, छोटा, मोटा, ये सारे जिस तरह के हैं, खूबसूरत, ठीक है, ये सारे जो जो खूबियां या खामियां बयान करते हैं ना इंग्लिश में, हम उनको मतलब एडजेक्टिव कहते हैं या एडवर्ब्स वगैरह कहते हैं, लेकिन यहाँ पे तेज, वो बहुत तेज भाग रहा है, तो तेज जो है ना वो मतलब इसम समझा जाएगा। उर्दू में ये सारी चीजें इसम की कैटेगरी में आती हैं, लेकिन उसको इसमें सिफत हम कह देते हैं। अच्छा, दूसरा एक हो गए जो हमें लफ्ज नजर आएंगे वो इसम होंगे, यानी चीजों के नाम होंगे। दूसरा है फेल, फेल यानी किसी काम को कहते हैं, और इसके बारे में हमने पिछली क्लास में बात की थी कि वो अगर तो किसी काम का नाम हो वो इसम की कैटेगरी में आएगा। मसलन पढ़ना, पढ़ना ये काम नहीं है, ये एक काम का नाम है, तो पढ़ना जो होगा वो इसम होगा। लेकिन अगर उस पढ़ने के साथ हम कोई जमाना लगा दें, मसलन मैं पढ़ रही हूं, हम पढ़ रहे हैं, हमने कल पढ़ा था, हम कल पढ़ना पढ़ेंगे, ठीक है, तो
पढ़ा था या पढ़ेंगे या पढ़ते हैं, जब कोई जमाना अटैच कर देते हैं हम, तो फिर वो फेल बनता है। फेल में यानी उसके नाम के साथ उसका काम के करने का जमाना भी पाया जाता है। जमाना अगर साथ होगा तो फिर वो फेल कहलाता है। मसलन लड़के ने कुरान पढ़ा, लड़का कुरान पढ़ता है, लड़का कुरान पढ़ेगा, ये पढ़ा पढ़ता है पढ़ेगा, ये तीनों फेल हैं। खाली पढ़ना अगर मैं बोलूंगी तो वो नाम होगा, उसको उसको मस्दर कहते हैं। फिर ऐसा कलिमा जो सिर्फ काम के नाम को जाहिर करे उसे मस्दर कहते हैं, मसलन पढ़ना लिखना वगैरह। ठीक है, तो इस्म हो गया नाम, किसी चीज शख्स जगह का सिफत का किसी काम का भी वन नाम, वो सारा इस्म आएगा। फेल यानी किसी काम का करना लेकिन जमाने के साथ। और हर्फ ऐसा कलिमा जो ना इस्म होता है ना फेल होता है, बल्कि दोनों को मिलाने के काम आता है, और इससे मानी में मानी क्लियर हो जाता है। जैसे इंग्लिश में प्रपोजिशंस होते हैं और उर्दू में भी हम इनको हरूफ ही कहते हैं। मसलन में है ना, जग में पानी है, पानी जग में है। ठीक है, मैं आपसे बात कर रही हूँ, से पर। ठीक है, किताब मेज पर है। ठीक है, आप 10 तक गिनती याद करके आए, तक। सारे हरूफ हैं, इनके अपने कुछ मानी नहीं है, बल्कि ये जुमलों को जोड़ते हैं और मानी देते हैं। अच्छा, अलामत इस्म। अब ये तीन तो हमने मेन कैटेगरीज पढ़ ली हैं, आपने इनको याद रखना है। एक कुछ अल्फाज इस्म होते हैं, कुछ अल्फाज फेल होते हैं, कुछ अल्फाज हरूफ होंगे। अलामत इस्म हमने देखा था कि इस्म को पहचानने की दो बड़ी निशानियां थी, एक तो तनवीन और दूसरा अलिफ लाम। जी रुकैया, तनवीन किसको कहते हैं पता है आपको? डबल पेश, डबल जेर, ये सब। डबल जेर, डबल जबर, डबल पेश को तनवीन कहते हैं। और इसको क्यों तनवीन कहते हैं? जब हम उनको पढ़ते हैं तो नून की साउंड आती है, मसलन अन, इन, उन, राइट, वो नून की साउंड आ रही है, इस वजह से उसका नाम तनवीन है। अच्छा जी, अब हम अगले पेज पे चलते हैं। हेलो, जी मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है बिल्कुल। जी, शुक्रिया। अच्छा, तो अभी हम देख, अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम जी, कुछ पूछना आप चाहते हैं? नहीं, मैं न्यू ऐड हुई तो मैं आपको बताना चाहती थी। ठीक है ठीक है, इंडिया से आप? जी, अब इस वक्त मैं खतर में हूँ, मगर है कि मैं इंडिया में। ठीक, तो तनवीन जिस लफ्ज पे आपको तनवीन जिस लफ्ज पे नजर आ रही होगी वो हमेशा इसम होगा। आराम से आप पहचान सकते हैं, जब भी आपको तनवीन नजर आएगी तो इसका मतलब है कि वो किसी चीज का नाम है, किसी शख्स का नाम है, किसी जगह का नाम है, वो इसम है। एक तो तनवीन उसकी पहचान होती है, और दूसरा अलिफ लाम लगा होता है। ठीक है, किसी लफ्ज के शुरू में अलिफ लाम पाया जाना भी उसके इसम होने का सबूत देता है। कभी भी किसी फेल के साथ अलिफ लाम नहीं लगा होगा। दो बहुत बड़ी बड़ी निशानियां हैं इसम को पहचानने की, या तो तनवीन होगा या अलिफ लाम होगा। दोनों ही इकट्ठे एक ही वक्त में नहीं आ सकते, अलिफ और तनवीन एक ही वक्त में नहीं आ सकते। मसलन या तो होगा किताबुन, ठीक है, किताबुन याल किताब। या अल किताबु, तो तनवीन हटके खाली पेश रह जाएगी, खाली दम्मा रह जाएगा। अल किताबुन कभी भी नहीं हो सकता। और एक और बात कि किताबुन का मतलब है कोई भी किताब, ये एक आम नाम होगा, आम कोई भी किताब, और इसको हम इसमें नकिरा कहते हैं। लेकिन अल किताबु का मतलब होगा खास किताब, जिसमें इंग्लिश में जैसे कहते हैं द बुक, ठीक है, किसी खास किताब। तो अलिफ लाम खास के लिए होता है और तनवीन जो है वो आम के लिए होती है। ठीक है, एक ये बात भी आप ध्यान में रखें। यहां तक हमने पिछली क्लास में किया था, अब आगे थोड़ा सा चलते हैं। इस्म की बुनियादी अकसाम, अब हम हमने तीन चीजें पढ़ी हैं, इस्म, फेल, हर्फ। हम इनको बारी बारी डिस्कस करेंगे। तो इस्म चूंकि काफी ब्रॉड कैटेगरी है उसकी, तो इस्म को सबसे पहले हम पकड़ते हैं। तकरीबन 80% अल्फाज जो है ना अरबी के, वो इस्म होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा एक अरबी का हिस्सा है इस्म। अच्छा,
इसमें जात सबसे पहले, मतलब किसी चीज, शख्स या जगह के जाती नाम को, ठीक है, इसमें जात कहते हैं। और इसमें जात आमतौर पर जाती वजूद रखते हैं, मसलन रजुलुन मर्द, इमरातुन औरत, किताबुन यानी मतलब वो एक, उसकी एग्जिस्टेंस होती है, फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, उसको इसमें जात कहते हैं, ठीक है। यानी उनकी कोई जाती हैसियत होती है, जैसे ही आप देख रहे हैं चीजें, यानी किताब है वो होती है, एग्जिस्टेंस होती है उसकी, कलमुन सहीफुन उसकी, हाँ मादी तौर पे उसका वजूद होता है, वो चीजें मौजूद होती हैं, तो उसको इसमें जात कहते हैं। और दूसरा इसमें सिफत, यानी सिर्फ जैसे सिफत नाम से ही पता चले, इसको भी हम ना सिफ्त कहते थे। मैं जब तक मैंने ये पढ़ना नहीं शुरू किया था अरबी, मैं इसको सिफ्त पढ़ती थी और हमारे टीचर्स ने ऐसे ही पढ़ाया हुआ था सिफ्त। अब जो है मुझे पता चला है कि सिफ्त इसकी गलत लफ्ज है, इसको सिफत पढ़ते हैं। ठीक है, आप में से भी जो इसको सिफ्त पढ़ते हैं प्लीज उसको ठीक कर लें, सिफ्त नहीं होता, सिफत होता है। अच्छा, तो इसमें सिफत जो है वो किसी खूबी या खामी को कहते हैं। मसलन जैसे पीछे की बात हो गई थी कि सादिकुन सच्चा, काजिबुन झूठा, मुस्लिमुन फरमाबरदार, काफिरुन इनकार करने वाला, मोमिनुन ईमान लाने वाला। ठीक है, तो ये इसमें सिफत हो गए, यानी ये सारे नाउन ही है लेकिन उसकी थोड़ा डिफरेंट कैटेगरीज हैं। अब अगले पेज पे हम चलते हैं। अच्छा, एक अब जो है उस इसम की, अच्छा कुछ लोग इसम कहते हैं, इसम भी गलत तलफ्फुज है, इसम नहीं होता, इस्म होता है। मैं चाहती हूँ कि आप सब माशाल्लाह आप अपनी उर्दू भी ठीक करें अरबी के साथ साथ, और सही से तलफ्फुज अदा करें चीजों का, ठीक है। इसम कोई लफ्ज नहीं होता, इस्म होता है। अच्छा, अब इस्म के मुताबिक चार बातों का हमें पता होना जरूरी है, तब फिर हम जुमलों को सही समझ पाएंगे। ठीक है, इस्म के मुताबिक चार बातें। सबसे पहले उसकी जेंस, जेंस क्या होती है, जेंडर। और जेंडर में दो ही जेंडर्स डेफिनेटली हम पढ़ेंगे, या तो मुजक्कर होगा या मोनस। ठीक है, हाँ उसको हम समझेंगे कि मुजक्कर मोनस क्या है। फिर उसके बाद अदद, देख रहे हैं आप लिखा हुआ है अदद, अदद यानी नंबर है कितना, वो एक है दो तीन चार कैसे हैं। उसके बाद वुसत और फिर एराब को देखेंगे हम इंशाल्लाह। तो आज हम कवर कर लेते हैं जेंडर को, जिन्स को आज हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, जिन्स में डेफिनेटली जैसे मैंने कहा या तो मुजक्कर होगा या मोनस होगा। क्लास, उर्दू क्लास। जी, अच्छा इसमें आप देखें कि कुछ चीजें तो हकीकी तौर पे जेंडर रखती हैं और वो मतलब जानदार चीजें होती हैं, है ना, जैसे जानवरों में, इंसानों में, जो वाकई जो है वो उनकी रियल जेंडर होती है, जैसे लड़का लड़की। ठीक है, लड़का मेल जेंडर है, लड़की फीमेल जेंडर है। लेकिन कुछ गैर हकीकी चीजें होती हैं जिनकी कोई जेंडर होती नहीं है, रियल में कोई जेंडर नहीं होती, वो गैर जानदार चीजें होती हैं, लेकिन फिर भी हम उनको मुजक्कर या मोनस यूज करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल किताब की बात कर लें, किताब। जी आ जाए कोई ये तस्वर कईदा, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, आ जाए जरा कोई भी वॉलेंटियर आ जाए। जी, अस्सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम कहते हैं, इसके भी मानी में फर्क पड़ जाता है, सलाम वालेकुम के मानी कुछ और होते हैं। नहीं, मैंने वो दरअसल शायद आपने सुना नहीं होगा, अच्छा मुझे नजला हो रहा है। जी, ओके अस्सलाम ओके, वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्ला। अच्छा जी, तो मैं कह रही थी कि बेजान जो चीजें होती है ना, उनकी असल में कोई जेंडर होती ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम उनको मुजक्कर या मोनस इस्तेमाल करते हैं, ऐसे ही है ना। मसलन किताब, मुझे बताएंगे कि उर्दू में किताब मुजक्कर होता है या मोनस। मोनस। जी, हम कहते हैं ये मेरी किताब है ना, हम नहीं कहते कि ये मेरा किताब है, ये उर्दू में मोनस इस्तेमाल होता है, लेकिन अरबी में ये मुजक्कर है। इसी तरह मस्जिद भी उर्दू में क्या इस्तेमाल होता है, मानस। मोनस, लेकिन अरबी में ये मुजक्कर होगा। जिदारुन, अरबी का लफ्ज है जिदारुन, इसका मतलब होता है दीवार।
हम दीवार उर्दू में मोनस इस्तेमाल करते हैं लेकिन अरबी में ये मुजक्कर है। तो ये वो मिसालें हैं। और देखिए क्या ये इनकी कोई हकीकी जेंडर होती है, कोई हकीकी जिन्स होती है इनकी? जी, ये वजूद रखती हैं जैसे दीवार है, नहीं, हाँ किताब वजूद तो रखती हैं लेकिन क्या है। हकीकत में ये मुजक्कर मोनस होती हैं चीजें? यानी अगर दीवार ये मुजक्कर है तो अहले जबान के लिहाज से हम देखते हैं कि अहले जबान इनको क्या कहते हैं। जी जी बिल्कुल, लेकिन इनकी वही मैं कह रही थी कि इनकी हकीकी जेंडर नहीं होती लेकिन जिस तरह जिस जुबान में उनको मुजक्कर या मोनस इस्तेमाल किया जाता है उसी तरह से फिर हम बोलेंगे। तो कुछ अरब जो कुछ ऐसे चीजें हैं जिनकी उर्दू और अरबी में सेम है मुजक्कर मोनस लेकिन कुछ जो है वो बिल्कुल ऑपोजिट होंगे। ठीक है, कुछ सेम होंगे कुछ ऑपोजिट होंगे। अच्छा अब ये है, एक मैं और आपको बात बताऊं कि जो मोनस की है ना उनकी कुछ निशानियां हैं जिनको अभी हम समझ लेंगे। अगर वो निशानियां होंगी तो वो लफ्ज मोनस होगा, अदरवाइज फिर वो मुजक्कर होगा। अगर ये निशानियों से हम उसको ना पहचान पाए तो फिर वो लफ्ज मुजक्कर समझा जाएगा। अब निशानियां हम देख लेते हैं। निशानियां उसकी हैं, सबसे पहले देखें यहाँ जो मैं चलो आपको टर्म्स भी बता देती हूँ जो लिखी हुई है मोनस गैर हकीकी की इकसाम। हम देखें जो रियल जेंडर है ना, जैसे मैंने कहा लड़का लड़की, ठीक है, इसका हमें अरबी में पता चल, लड़की कहते हैं बिन्तुन और लड़का कहते हैं वलदुन। अब वलदुन में कोई निशानी हो या ना हो मोनस की मुजक्कर की, वलदुन वो हमेशा लड़का हमें पता है कि मुजक्कर ही है क्योंकि वो हकीकी उसकी जेंडर है। इसी तरह बिन्तुन लड़की हमें पता है कि वो रियल जेंडर है, मुझे बेशक कोई मोनस की निशानी ना मिले। जो हकीकी है ना मुजक्कर और मोनस उनको तो हम नहीं पहचानेंगे, वो तो हमें वैसे ही पता चल जाएगा, लेकिन जो गैर हकीकी है उनको हमें पहचानना पड़ेगा। ठीक है, गैर हकीकी की वो इकसाम है मोनस कयासी और मोनस समाई। कयासी का मतलब हम सिर्फ कयास करेंगे, अंदाजा लगाएंगे उसकी निशानियों को देखकर। तीन निशानियां हैं जिनसे हम पहचानेंगे कि ये लफ्ज मोनस लफ्ज है। सबसे पहला है गोलता। सबसे पहली मोनस की क्या निशानी होगी? गोलता, इसको ताए मरबूता भी कहते हैं। इसको ताए मरबूता भी कहते हैं गोलता, ये मोनस की निशानी है याद रखिएगा, और बहुत ज्यादा ये इस्तेमाल होती है। मसलन जन्नतुन बाग को कहते हैं, आयतुन निशानी, साहतुन घड़ी, हसनतुन भलाई। ठीक है, ये सारी जो मिसालें हैं ये सारी मोनस की मिसालें हैं क्योंकि गोल ता लगा हुआ है। देखें जन्नतुन बाग, बाग हम मुजक्कर इस्तेमाल करते हैं उर्दू में लेकिन अरबिक में ये मोनस है क्योंकि गोल ता लगा हुआ है, मैंने पहचान लिया ये मोनस है। अच्छा अगले चलते हैं हम। अच्छा यहाँ पे देखें लिखा हुआ है जैसे कुछ बाज इस्म गोल ता रखने के बावजूद मुजक्कर हैं, उसकी मिसाल क्या है? खलीफतुन जी, खलीफा। मुझे बताएगा कि हालांकि गोल ता है लेकिन फिर भी मैं कह रही हूं कि ये मुजक्कर है, क्यों? कोई भी अपना माइक अनम्यूट कर ले, माइक खोल ले अपना और बताए मुझे। क्योंकि खलीफा मुजक्कर ही होता है, खलीफा मतलब कैसे? आदमी जी बन सकता ना, इसीलिए। हाँ यानी जेंडर वो हकीकी है, यानी वो जानदार चीज है, उसकी वाकई में जेंडर है। ठीक है, और वो मर्द ही होता है इसलिए। इसी तरह अल्लामा, अल्लामतुन, ये भी मर्द के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कि जिसको बहुत ज्यादा इल्म हो, जैसे अल्लामा इकबाल का नाम भी था उनका। तो जैसे मैंने शुरू में कहा था हम निशानियां ढूंढ के पहचानेंगे मोनस को लेकिन उनमें जो जानदार चीजें होंगी, जो जानदार हैं। फॉर एग्जाम्पल एक और मैं नाम लेती हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ तो नहीं है, जैसे हमजातुन, हमजा नाम जो होता है हमें पता है कि लड़के का नाम ही होता है हमजा, उसमें हमें गोल ता नजर भी आएगा लेकिन फिर भी हम उसको नहीं कहेंगे ये मोनस है क्योंकि वो जानदार चीज है। जानदार चीज में तो हमें निशानी को देख के पहचानना ही नहीं है ना, वो तो हमें वैसे ही पता है कि ये मुजक्कर है या मोनस है। ठीक है, जो बेजान चीजें होंगी जैसे लैलतुन रात, रात की कोई वाकई में जेंडर नहीं होती, बेजान चीज है ये, मतलब बल्कि तो देखने में नजर ही नहीं आती है, मतलब ऐसे फिजिकल उस तरह नहीं है, इसकी गोलता को देख के हमने पहचाना कि ये मोनस है। ठीक है,
जो वाकई जानदार चीजें उनको हमने इन अलामतों से नहीं पहचानना, ये सिर्फ हमने बेजान चीजों के लिए देखना है। अच्छा, दूसरी पहचान है, दूसरी निशानी है अलिफ ममदूदा। ममदूदा यानी मद वाला अलिफ, सबको पता होगा मद इसकी इस निशानी को कहते हैं और उसमें लंबा करते हैं साउंड को, आवाज लंबी होती है उसको, और मद का लफ्जी मतलब भी लंबा ही है अरबी में। ठीक है, मद वाले मोनस जो है ना वो अस्मा, मोनस अस्मा होते हैं। मसलन दरकाउ, जर्क नीले रंग को कहते हैं, ठीक है, जरक, उसके जरकाउ मोनस है, ये मद आ गया और आगे हमजा। हमरा उ सुर्ख रंग को कहते हैं और ये मोनस इस्तेमाल होता है। सफरा उ दर्द रंग को कहते हैं। सहरा उ जंगल, ये देखे मद आ रहा है एंड पे और हमजा, ये मोनस की निशानी है। तीसरी निशानी है अलिफ मकसूरा, यानी आप देखेंगे कि एक छोटी या होती है एंड पे और उसके पीछे वाले लेटर पे ये खड़ा जबर लगा होता है, ऐसे हम इसको खड़ा जबर कहते हैं, ठीक है ना। ये भी मोनस इस्म की निशानी होती है। ठीक है, उसकी मिसालें क्या है, कुबरा, देखिए हम इसको कुबरा पढ़ते हैं ना, रा के ऊपर खड़ा जबर है और आगे छोटी या, इस तरह वाले जो भी इस्म आपको नजर आएंगे वो सारे मोनस होंगे। के कुबरा, सुगरा, हुस्ना, उज्मा, उज्मा सबसे बड़ी, सुगरा सबसे छोटी, हुस्ना सबसे हसीन सबसे खूबसूरत, अच्छा वुस्ता, ये सारे। मेरा ख्याल है कि आपको समझ आ गई होगी बात। तीन निशानियां हमने डिस्कस की हैं, एक तो गोल था जब भी लगा होगा मोनस होगा, एक अलिफ ममदूदा अलिफ मद वाला, मद होगा एंड पे अलिफ होगा और उसके ऊपर मद होगा, और तीसरी हमने कहा कि छोटी या और उसके पीछे खड़ा जबर लगा होगा उसको अलिफ मकसूरा कहते हैं, इसको अलिफ ममदूदा कहते हैं, ऐसा अलिफ जिसके ऊपर मद लगाओ, ऐसा अलिफ जिसके आगे छोटी या लगी हुई हो, कि खड़ा जबर जो होता है ना उसको एक अलिफ जितना लंबा ही पढ़ते हैं, इसलिए इसको अलिफ मकसूरा कहा जा रहा है। और जैसे मैंने आपको एक एक्सेप्शनल केस यहाँ बताया ना, खलीफा, हमजतुन, अल्लामतुन, ये ता होने के बावजूद मुजक्कर हैं, इसी तरह कुछ अल्फाज अलिफ मकसूरा होने के बावजूद मुजक्कर होंगे। मसलन मूसा ना, मूसा, अगर आप सबको पता हो मूसा कैसे लिखते हैं, मीम वाओ सीन और छोटी या लगा के सीन के ऊपर खड़ा जबर लगाते हैं ना, मूसा वो अच्छा मुजक्कर है। क्यों मुजक्कर है? क्योंकि वो रियल जेंडर है, वो यानी हकीकी में ही मुजक्कर है, ठीक है, तो इसलिए हम उसको इस फॉर्मूले पे नहीं देखेंगे, ये फार्मूला सिर्फ गैर जानदार चीजों के लिए है। सिस्टर एक सवाल पूछू प्लीज। जी जी ये आपने पहले तो बोला ता मरबूता, जी सेकंड है अलिफ ममदूदा जी जो मद के साथ है, और जो खड़े जबर के साथ या आता है वो अलिफ मकसूरा जी जी अलिफ मकसूरा। मीम कॉफ स्वाद वाओ रॉ था मकसूरा। जैसे आपने इसका एग्जांपल इसका कुबरा बताया ना आपने जी एग्जांपल, जी कुबरा, हाँ कैफ बा रॉ और छोटी या, रॉ के ऊपर खड़ा जबर लगा देते हैं और फिर आगे छोटी या लगा देते हैं, तो उसको पढ़ने में कुबरा पढ़ा जाता है, आ की साउंड आती है ना, अलिफ की साउंड आती है, इसीलिए। जी बुशरा, उकबा, हुस्ना, बहुत सारी मिसालें हैं इसकी, ठीक है। अच्छा जी, जी आगे हम देखते हैं, ये तो थे मोनसे कयासी, कयास कहते हैं अंदाजा करने को, हमने इन तीन निशानियों को देख के अंदाजा करना है कि ये लफ्ज मोनस है। अगला है मोनस है समाई, समाअत का मतलब पता है किसी को क्या होता है? समाअत सुनना, सुनना सुनना ठीक है जी। अब ये हमने सुने हुए हैं, जैसे अभी कह रही थी कोई बहन, हम अहले लुगत जैसे इस्तेमाल करते हैं उसी तरह से हम भी इस्तेमाल करेंगे, तो हमने सुना हुआ है अरबों को मोनस इस्तेमाल करते हुए इन नामों को, तो इसलिए हम मोनस ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इनके एंड पे ये गोल ता, अलिफ मद वाला और अलिफ मकसूरा नहीं होगा, ये देखिए तीनों अलामतें लिखी हुई है, ठीक है, ये नहीं होंगी, लेकिन फिर भी हम उसको मोनस इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने अरबों को ऐसे ही सुना है कहते हुए, तो इसीलिए ये मोनस समाई है। अब उसमें कुछ कैटेगरीज हैं, इंशाल्लाह ये हम याद कर लेंगे। हवा के नाम, अरबी में मुख्तलिफ नाम होते हैं हवा के लिए, तो
वो सारे ही मोनस इस्तेमाल होंगे, हालांकि उसमें कोई निशानी नहीं है मोनस की, हालांकि हवा जान चीज है यानी जानदार नहीं है, उसकी रियल जेंडर नहीं है, फिर भी वो मोनस सारे नाम इस्तेमाल होंगे हवा के। मसलन रीहन नॉर्मल हवा होती है ना, नॉर्मल जैसे मतलब इस वक्त भी हवा है उसी में हम सांस लेते हैं, तो उसको रीहन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ना इसमें कोई गोलता है, ना इसमें अलिफ ममदूदा है, ना इसमें अलिफ मकसूरा है, लेकिन फिर भी इसका मतलब हमें पता है रीहन हवा के लिए है, तो ये मोनस ही इस्तेमाल होगा क्योंकि अरब इसको मोनस ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हवा के सारे नाम रीहन आम नॉर्मल हवा होती है, सर सरुन कुरान पाक में काफी दफा इस्तेमाल हुआ हुआ है, इसका मतलब है तेज हवा आंधी की तरह जो होती है, और समूम गर्म हवा लू बहुत तेज गर्म हवा को समूम कहते हैं, और ये भी ये सारे अल्फाज कुरान से लिए हुए अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आप इनके मानी याद रखते जाएंगे साथ साथ तो आपको जब हम तर्जमा शुरू करेंगे तो आपको बहुत मदद मिलेगी इंशाल्लाह। ये सारे हवा के नाम मोनस है। उसके बाद है आग के नाम, आग का भी जो एक जो नॉर्मल आग है नारुन, तो देखिए कोई निशाने नहीं है ना गोलता ना अलिफ ममदूदा ना अलिफ मकसूरा, लेकिन फिर भी ये मोनस है क्योंकि अरब इसको मोनस ही इस्तेमाल करते हैं। नारुन आग, जहीम अक्सर आपने कुरान पाक में पढ़ा होगा, दहकती हुई आग, तईर भड़कती हुई आग, डिफरेंट उसकी सिचुएशंस है आग की, उनके लिए मुख्तलिफ नाम इस्तेमाल हुए हैं, यानी आप कह लें कि जहन्नम के सारे नाम जो है ना ये मोनस इस्तेमाल होते हैं हमेशा। जिस्म के जोड़े आजा के नाम जी 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 हाँ ये मैंने पूछना है कि हम लोगों को फिर ये याद करने पड़ेंगे ना ये सारे, क्योंकि ये हमेशा ऐसे ही रहेंगे, तो हम जुबानी याद करेंगे फिर ही हमें पता चलेगा ना। बहुत ज्यादा हमें याद करने की जरूरत नहीं होगी इंशाल्लाह, क्योंकि जब हम कुरान पढ़ेंगे ना आप बिलीव करें इतनी रेपुटेशन है कुरान में चीजों की, और स्पेशली अगर जब मैं पढ़ाती हूँ जब अल्हम्दुलिल्लाह तो वो बार बार हम रिपीट करते हैं, देखें ये है इसलिए ये है, ये है इसलिए ये है। ठीक है, हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं चीजों का, आप जो है वो बस गुजरते जाइए इन चीजों से, मतलब पहचान आपको होती जाए, याद करना उस तरह आपको मतलब आप बॉदर ना करें, अपने आपको परेशान ना करें कि वो मुझे ये सारा कुछ याद करना होगा, बस आप फेमिलियर हो जाएं, आपकी पहचान में आ जाएं चीजें। जब हम कुरान से पढ़ना शुरू करते हैं ना तो इतना दोहराई होती है, इतनी दोहराई होती है कि वो खुद ब खुद इंशाल्लाह चीजें याद हो जाती हैं। ठीक है, इसलिए कोई ये परेशान ना हो कि उफ मुझे इतना कुछ याद करना पड़ेगा, नहीं बस आप समझते जाएं चीजों को, अगर समझ आ रही है ना फिर आप समझे कि यस आई कैन डू दिस, ठीक है मैं कर सकती हूँ इसको, क्योंकि बहुत लोग तो परेशान होकर छोड़ ही जाते हैं, तो परेशान होकर छोड़ना नहीं है, ये इंशाल्लाह बहुत ज्यादा हमारी प्रैक्टिस होगी जब हम कुरान का तर्जमा शुरू करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा जिस्म के जोड़े आजा, हमारा टाइम थोड़ा रह गया, 3 मिनट रह गए सिर्फ, बस जल्दी से मैं वाइंड अप करती हूँ इसको। जिस्म के जोड़े आजा यानी जो दो दो है, जैसे आंखें दो है ना हमारी, कान हाथ आंगे पांव जो दो दो हैं, होंठ, ठीक है ये सारे मोनस इस्तेमाल होते हैं, और जो सिंगल सिंगल है वो मुजक्कर है। अब ज़िराउन बाजू को कहते हैं, यानी हाथ से लेके कोहनी तक का जो पार्ट है ना, जो पहला हमारा बाजू का हिस्सा है उसको ज़िराउन कहते हैं, ये मोनस है। यदुन हाथ मोनस है, रिजलुन आंख को कहते हैं, आइनुन आंख, उज़ुनुन कान, कदमुन पांव, साकुन इंदली, तो ये सारे जो हैं मोनस हैं। इसी तरह लिसानुन, अब लिसान जुबान कितनी है, एक ही है, एक ही काफी है ना, वही काबू में नहीं आती, ये मोनस नहीं है ये मुजक्कर है। ठीक है, लिसानुन मुजक्कर है, रासुन सर एक ही होता है ये मुजक्कर है, सदरुन सीना एक ही है इसलिए मोनस मुजक्कर है, ये सारे जो एक हैं सिंगल हैं वो मुजक्कर हैं। सिनुन दांत भी मुजक्कर में ही आते हैं, लेकिन अनफुन नाक। अच्छा अगली कैटेगरी है शहरों मुल्कों कबीलों के नाम। ठीक है, अगर किसी शहर का नाम है मुल्क का या कबीले का नाम तो वो हमेशा मोनस इस्तेमाल होता है, मसलन कुरैश देखेंगे, या अहले कुरैश ए कुरैश वालो, आदुन समूदुन यानी बनी इसराइल, यानी वो कबीलों के नाम या मुल्कों के नाम या शहरों के नाम हमेशा मोनस इस्तेमाल होते हैं अरबी में। ठीक है, अच्छा कुछ मुतफर्रिक अस्मा है, समाउन, वैसे अगर तो हम इसको भी देखें तो मद और इसके साथ है ना समा अलिफ ममदूदा वाला, अगर आप इसको उस कैटेगरी में ले लें तो मोनस है। शमसुन सूरज, हरबुन लड़ाई, नफसुन
जान शख्स एक नफ्स, ठीक है, आसा लाठी, सबीलुन रास्ता, अर्दुन जमीन, बारुन ठिकाना, बेरुन कुआ, दलवुन डोल, खमरुन शराब, असुन ताला और रोया ख्वाब। ये सारे जो अल्फाज हैं ये मोअन्नस हैं, इनकी कोई निशानी नहीं है, लेकिन फिर भी ये चूंकि अरब इनको हमने सुना हुआ है अरबों को मोअन्नस इसको इस्तेमाल करते हुए, इसलिए ये मोअन्नस ही इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। और जो है बस लास्ट मिनट चल रहा है और फिर हम बस वाइंड अप करते हैं क्लास को। अगर किसी का कोई सवाल होगा तो अगली क्लास में करेगा, ठीक है, इंशाल्लाह। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैका। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तवाबुर रहीम। आमीन या रब्बल आलमीन। मैंने इसलिए क्लास वाइंड अप कर दी है कि फिर एब्रप्टली ना खत्म हो दुआ के बगैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।